राम राम जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जेबीटी बीएड अध्यापक 2020, अगर आप जेबीटी बीएड कर करके एच टेट सी टेट क्वालिफाई करे हुए घर पर बैठे हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिए। आपके लिए खतरे की घंटी आ चुकी है। अध्यापक बनना है तो वीडियो जरूर देखना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा लीजिए। हर रोज आपके लिए जॉब से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित जरूर होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेके चलता हूँ आपको आज की मुख्य खबर की तरफ, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना। यहां पे देखिए, मुफ्त शिक्षा के बावजूद घट रहे सरकारी स्कूल में बच्चे। आप सभी जानते हैं मुफ्त शिक्षा की हुई है सरकार की तरफ से। मुफ्त में शिक्षा देने के बावजूद सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चों का रुझान कम होता जा रहा है, जबकि अपेक्षा महंगे निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। गैर सरकारी संगठन प्रथम की ओर से जारी असर 2019 रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 4 साल की आयु वाली 60.3% लड़कियां और 57.7% लड़के सरकारी प्री स्कूलों में पढ़ रहे थे। महज 1 साल में यह संख्या घटकर क्रमशः 56.8% और 50.4% रह गई। इस तरह 8 वर्ष की आयु वर्ष में 2018 में 68% लड़कियां और 59.6% लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, जो 2019 में यह संख्या घटकर क्रमशः 61% और 52% रह गई। सरकारी स्कूल मुफ्त शिक्षा देते हैं जबकि निजी स्कूल वसूलते हैं। इसके बावजूद निजी स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे धारणा यह है कि निजी स्कूल बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता देता हूं, जो भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ा झटका है अगर निजी स्कूल में बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या अगर घट रही है तो सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जितने भी अभी जो हमारे सरकारी स्कूल में अब बच्चे जाएंगे तो हमारे लिए कुछ हो सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी 25 संख्या वाले स्कूल है, 25 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे स्कूल तो फिलहाल बंद कर रही है हरियाणा सरकार। तो आप सभी के लिए, जो भी पात्र अध्यापक है, जेबीटी बीएड और एच टेट सी टेट क्वालिफाई है, उनके लिए थोड़ी सी दुख भरी खबर है, क्योंकि अगर इसी प्रकार संख्या घटती रही तो ये तो बंद की कगार पर स्कूल बैठे हैं। फिर हरियाणा में किस प्रकार वैकेंसी आएगी, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो क्या कुछ कदम उठाने चाहिए बेहतर शिक्षा के लिए सरकार ने, पहले बेहतर शिक्षा करनी चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूलों में ना जा करके बच्चे सरकारी स्कूल में जाए, और जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए कि वे पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को सभी के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। जैसे कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको बताऊंगा। धन्यवाद।